जो भारत के राष्ट्रनायक सरदार पटेल को खलनायक और राष्ट्र तोड़क जिन्ना के साथ जोड़ने का कार्य करते, दोनों नहीं जुड़ सकते, दोनों की तुलना नहीं हो सकती है। ये जो मानसिकता है, एक जोड़ने की मानसिकता, एक निर्माण की मानसिकता है और एक तोड़ने की मानसिकता है, विध्वंसात्मक मानसिकता है। डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। निर्दोष लोगों का हत्यारा है व्यक्ति, लेकिन जिन्ना को महिमा मंडित अपने क्षणिक वोट बैंक के स्वार्थों के लिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। लोग यदुवंश के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को बैन करते हैं। पिछली सरकारों ने बैन कर दिया था, हम लोग आए, अरे हमने कहा जन्माष्टमी थानों में और जेलों में नहीं मनाई जाएगी तो कहां मनाई जाएगी, मनाओ सभी थानों में जन्माष्टमी का आयोजन होने चाहिए, बहुत अधिकार के पास। लेकिन इन लोगों ने बैन कर दिया, ये लोग बैन कर दिए थे, इनको कोई पुरस्कृत, यानी इनको आस्था का अपमान करना ये लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे, और आतंकवादियों को रिहा करना भी ये अपने लिए गौरव की बात मानते थे। लेकिन उसके ठीक विपरीत, आस्था का सम्मान करना और आतंकवादियों को ठिकाना लगाना, ये हम हमारे लिए गौरव की बात होती है। बस यही अंतर है, फर्क साफ है।